अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको मैं कुछ मेहनती भाई दिखाऊंगी, जिनमें हमारे भाई भी हैं और कुछ जो हमारे बाबा जी भी हैं जो बहुत मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। ये भाई जो होते हैं ये मॉडल बाज़ार में होते हैं। जब भी मैं जाती हूँ इनसे अमरूद ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि इनके अमरूद जो है ना बहुत मीठे होते हैं। मैं जब भी जाऊँ तो इनसे ज़रूर अमरूद ख़रीदती हूँ। तो ये देखें आप, बहुत मेहनती हमारे भाई हैं ये। और इसके साथ ही ग्राउंड में मेरी नज़र पड़ी तो ये देखें, ये हमारे पठान भाई। 10 रुपये का ये किस चीज़ से बनता है कावा? सबज कावा, ग्रीन टी जिसे कहते हैं। सेहत के लिए भी ठीक है ये। हाँ ठीक है। और भाई ये किस चीज़ से बनती हैं? ये टिकड़ा है, मैदे का। मैदे के खुद बनाते हो? हाँ। ये कितने का टिकड़ा? ये टिकड़ा 15 रुपये। 15 रुपये। और ये एक जगह मुझे ये बाबा जी नज़र आए, आप इनकी उम्र देखिए, और इंतहाई गरीब भी नज़र आ रहे थे। और साथ इनके एक ये छोटा सा बच्चा था, पता नहीं इनका नवासा था या पोता था, जो भी था ये बच्चा था एक, और ये बाबा जी थे। और बाबा जी जो हैं इस उम्र में भी देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये बकरियों का रेवड़ था और बहुत अच्छा बड़ा रेवड़ था जो इन्होंने संभाला हुआ था। और देखें ये मेहनत कर रहे थे। जाहिर है ये बकरियां जो पालना ये आसानी का काम तो नहीं है, शायद ये सेल भी करते हों। और इनकी देखभाल करना, इनको चराना, इनको घास खिलाना, पानी पिलाना, ये सारा जो है बाबा जी के ज़िम्मे। एक और बाबा जी मुझे घास का ये काटते हुए नज़र आए, ये भी घास जो सेल कर रहे थे ये देखें। तो मेरा मकसद ये है कि जीने के लिए इंसान को जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। और देखें ये एक बाबा जी थे, ये भी मॉडल बाज़ार में थे और इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था पॉपकॉर्न और ये पापड़ वगैरह सारी चीज़ें, ये मेहनत कर रहे थे। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मेहनत है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो मेहनत के बगैर जो ज़िंदगी कुछ भी नहीं, और मेहनत करने में कोई शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए। हलाल रोज़ी जो है वो किसी भी तरीके से कमानी चाहिए, क्योंकि मेहनत जो है वो मांगने से कहीं बेहतर है। तो एक ही हमारे भाई जो बैठे हुए थे दुकान में, मोबाइल में घूमते, और इनकी जी जूतियों की दुकान, और ये हमारे पठान भाई थे, और इन्होंने जो शूज़ हैं ये इम्पोर्टेड, ये इनकी शॉप थी। मैंने इनसे भी थोड़ी सी बात की और इनकी फिर थोड़ी सी वीडियो बनाई कि ये भी देखें मेहनत तो कर रहे हैं। तो हर किसी की मेहनत का अंदाज़ जो है मुख्तलिफ है, तो मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने शौक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूर करनी चाहिए, और एक दिन जो मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह।